नहीं नहीं ये कम है थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बताओ आप बताइए क्या बात है। यार तालियां तो भाई साहब आपने स्कूटरी रास्ते में लगा दी मेरे। कहाँ लगानी चाहिए थी? सीनियर आर्टिस्ट से बैठ जाए। अच्छा ये क्लियर करा देते हैं, आपकी दरख्वास्त है, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। हाँ मैं पहले अपनी कुर्सी ले लेती हूँ भैया। हाँ हाँ ले लो ले लो। अच्छा आपकी कुर्सी आज यहाँ है। सुनील पाजी बैठ प्लीज। सुनील पाजी मैं गिरा सकता हूँ? नहीं मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ड्राइवर रिमूव योर कार, यू आर ब्लॉकिंग अस। चलानी आती है ना? इसने यही तो सीखी। शो के अलावा बाकी सब कुछ चलाना आता है। सही बोला। यस बैठे ठीक है। क्या करना है? क्या करना है? खाना वाना खाया सबने? हाँ कि नहीं? गेम्स भी खेले आपने वहां पर? कुछ गेम्स भी खेले आपने? अरे गेम्स छोड़ो, बियर वाला काउंटर देखा बाहर? नहीं देखा किसी ने? अरे जाओ यार। काउंटर ही है लेकिन उसके ऊपर बियर नहीं है। वही तो मेन गेम थी, वही तो ढूंढना था। इधर मत देखो, ये सब नकली है, ये सब नकली है। अच्छा हमें ब्रीफ भूल गया ना, क्या करना था? प्रोमो सबने देखे ना? हाँ वही प्रोमो जिसके 1 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। मैंने भी देखा वो। नहीं 1 करोड़ तो सिर्फ YouTube पे हुआ। मेरे Instagram पे 60 लाख। Oh my God। राजीव तेरे कितने हुए? वो ट्रेलर कहते हैं कि प्रोमो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ट्रेलर पुराने जमाने में। ट्रेलर हाँ। ट्रेलर। क्या लो व्यू तो उतनी है। मैं आ गया। क्यों इतने सन्नाटा क्यों भाई? Give it up for the great Indian couple show के पूरे परिवार के लिए। अच्छा हर रोज तो इस सेट पर बहुत सर्दी होती है, आज थोड़ी गर्मी नहीं लग रही? बाहर गर्मी ना ज्यादा, अंदर एसी नहीं वर्क करता। हाँ थोड़ी एसी बढ़ा दो भैया। आप लोगों को सर्दी लग रही, गर्मी लग रही है? गर्मी लग सर्दी हाँ ठंड लग रही है थोड़ी सी। अब सारी गर्मी से इतनी सारी प्रेस बैठी है तो गर्म तो होगा। सर या पूछिए आज क्या? हाँ आई एम द गेस्ट टुडे। एग्जैक्टली कैसा महसूस हो रहा है कि आप गेस्ट हैं इस और इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ आज? नहीं नहीं आपको भेज देना हमने आधे घंटे। उसके बाद हमारी है ये। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब जानते ही हैं इस शो को आपने हमेशा ही बहुत प्यार दिया है और जैसे बोलते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी आप सबकी ग्रोथ होती है और होनी भी चाहिए। सो इस बार ये जब मैंने अपने शो का ट्रेलर देखा मुझे भी बड़ा लगा यार बड़े महंगे आर्टिस्ट लग रहे हैं हम लोग। और थैंक यू नेटफ्लिक्स। अभी जब भी आप तान्या जी से मिले ये जितनी क्यूट है ना ये उतना ही हमारे डायरेक्टर की गर्दन मरोड़ के रखती है। तो बट हाँ हम सबकी सबकी इंटेंशन जो है वो यही है कि सालों से हम लोग आप लोगों को हंसाते आ रहे हैं और इस बार और बेहतर हो हमेशा हमारी कोशिश रहती है और सच में बेहतर हुआ भी और बहुत बेहतर हुआ है क्योंकि मैंने तो सारे एपिसोड्स देखे हैं, आपने तो अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। सो आई होप ऐसे ही आप प्यार देते रहेंगे जैसे आपने इतने सालों से हम सबको दिया है। ऐसे हम इतने उतावले हैं और ललचा रहे हैं, आप हमें 30 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर कपिल सर आपने इतने सारे शोज किए हैं, देश विदेश के टूर्स किए हैं, तो आपने कभी सोचा था कि नेटफ्लिक्स पर आप आपके पूरे परिवार के साथ शो होस्ट करेंगे? हाँ जी बात करके गया था मैं अमेरिका। तो मुझे पता था। देखिए हर किसी का एक सपना होता है कि हम लोग हर बार कुछ ना कुछ और यू नो एक एक फैदर ऐड हो हमारे काम में। सो नेटफ्लिक्स की ये जो खासियत है इन्होंने इस शो की अगर आप देखें ईच एंड एवरीथिंग, अब चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ले लें, इतने डिटेलिंग और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने भी कभी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सो अच्छा लग रहा है और बिल्कुल हमारा सौभाग्य है ये कि हम लोग वर्ल्ड वाइड अब इस शो को लेकर आए हैं। सो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स। कपिल सर आज हमारे मीडिया लेट आया। उनकी खबर छापो, हमारी तो बड़ी छापते थे।
हैं, खुद चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाथरूम होके आ रहे हो? एक ही बोलेंगे मुंबई का ट्रैफिक। अच्छा, सबसे अच्छी बात है जिसकी हुई है उसको ही नहीं पता। हाँ। कैसे भाई? अच्छा अब पता चला। चलो कहाँ से आए आप? गर्मी से, बाथरूम से। गर्मी बड़ी बाहर। वेलकम भाई, वेलकम। शिल्पा जी, यहाँ पर हमारे सारे जो हैं मीडिया के दोस्त हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं। और अच्छा, सीरियसली फैमिली मेंबर्स भी आए आज? स्पेशल क्या बात है। सो प्रेस के कितने लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। एंड देन जो आपके साथ प्लस वन आए हैं, जो फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन्होंने पहले साथ में खड़े कर दिए थे। नहीं नहीं, दोनों साथ में खड़े हैं। बाकी सारी प्रेस है। फैंस में भी प्रेस वाले हाथ उठाओ यार, तुम फैंस नहीं हो गया हमारे शो के? हाथ में कैमरा फेंक दे नीचे। आप, आपकी बीवियां भी आई हैं साथ में? नहीं आई। हाँ, है ही नहीं कि लाए नहीं कि क्या? लाए नहीं, लाए नहीं। नहीं, मुझे पूछना था कि घर जाके आपके आगे भी ऐसे ऐसे करते हैं ये लोग के हमारे आगे करते हैं? कपिल सर, तो यहाँ पे हमारे फैंस जो है उनका नाम है कपिलियंस। अब हम अपने आप को कपिलियंस बुलाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे हाउ स्वीट, कहाँ है कपिलियंस? थैंक यू, इन द हाउस। टोटल 14 लोग आए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं, इतनी गर्मी है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप लोग आ गए हैं। मैं तो घर से निकलते पहले फोन किया था कि मीडिया वाले आए भी हैं कि हम तभी आए। गर्मी बहुत है भाई साहब। वो ट्रेलर को जो व्यूज मिले हैं ना, वो काफी कुछ कहता है। 1 करोड़ के टच कर गया, उसके ऊपर गया। और इसे कांग्रेचुलेशंस, आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। कपिल बाजी, यहाँ पे जो हमारे सारे गेस्ट आए आज, उनके लिए हमने ना थोड़े गेम्स करे थे बाहर। स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट था, तो जिसके विनर्स आज हमारे साथ हैं। अच्छा, तो उनमें से कुछ नाम मेरे पास है विनर्स के, जिनको सही सही पॉइंट पर जवाब मिला, तो लकी विनर्स को मंच पर बुलाते हैं। उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज था। वो सरप्राइज ये है कि द कपिल, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के पूरे परिवार के साथ एक फोटो। सो आपके लिए इजाजत हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड प्लीज। और जैसे मैं नाम लेता हूँ, मेरी दरख्वास्त है, जैसे जैसे नाम लेता हूं प्लीज मंच पर आ जाइए। यस प्लीज। स्पिन द व्हील के विनर्स के नाम है वैभव ठक्कर, रेशम हाते और रोशन हाते, मंजरी सोमेश मिश्रा, चंदू सोहेल शेख, ध्रुव कपाड़िया, शिवम मिश्रा, कृष्णा पांडे, राजेश, मीनू चांडो, दीपक यादव। एक ही लड़की, हम एक भी आ गए। एक और है। अच्छा, ये जो बीच में ब्लैक शर्ट में टी शर्ट में बैठे हैं यहाँ पर, दो ब्लैक नहीं, ये वरुण हाथ जो ऊपर कर रहा है, ये हमारा भाई वरुण, इनको इन, या या ये क्यों नहीं आ रहे ऊपर? ये फोटो ले रहे हैं। अच्छा, फोटो ले रहे हैं। माउतात क्या सगे? नहीं आ रहे क्या? है कि सब आ गए ना? डन, वरुण मिले, खा लो, मिला लो। एकदम जोरदार ताली हमारे स्पिन द व्हील के विनर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंजॉय द शो। थैंक यू डियर। बहुत सोचे थे टीवी पे देख के, लेकिन कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय। आ जाइए प्लीज। थैंक यू, कुछ बोल रहे हो भैया? वापिस आओ आप। अरे सचिन, सचिन भैया बात सुनो, इधर आओ। अरे इधर आओ, एक मिनट आइए, आप बात पूरी कीजिए। देखो ये आपको मैं अपने नाम वाला माइक दे रहा हूँ, देखिए। लाल कुर्ता पहना आपने गर्मी में, आग ना पकड़ लेना। आज यहाँ मंच पे जो आए हैं, हम तो मोबाइल में बहुत शो देखे, लाइक कर रहे थे, लेकिन कभी सोचे नहीं थे ख्वाब में
कि ये मंच पे आऊंगा या प्रोग्राम में आऊंगा। प्रोग्राम में आने को तो सोचा ही नहीं था, मंच पे आने तो बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं सोचा था? आप जेल में थे, क्या हुआ? जेल में नहीं सर, कभी, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मतलब सोच नहीं था। क्या बात कर रहे हैं, इसलिए कि शो में देखने में और यहाँ आने में मतलब इतनी खुशी है, समुंदर से भी ज्यादा हमारी, so sweet. समुंदर से भी ज्यादा खुशी है कि हम यहाँ मंच में पहुंच के और साहब के साथ में, दादा के साथ में खड़े हैं। बहुत खुशी की बात है, मतलब एक माँ ने खुशी दी थी और आज यहाँ आने के बाद मंच में खुशी मिली है कि लाइफ में कुछ हमने सोचा था। आज साईं बाबा की कृपा या भगवान की कृपा, ये मंच पे, ये लाइव में साथ में फोटो निकालने को मिला, बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य, मतलब सोच नहीं सकते। अभी इलेक्शन में खड़े होंगे आप, इतनी स्पीच दे रहे हैं। अपने नाम, नाम तो बताया नहीं आपने। मेरा नाम राजेश जसवाल, मैं गोरेगांव ईस्ट में ही काम। अरे नाम ही पूछा, एड्रेस थोड़ी बदल रहे। सॉरी सॉरी। तो आप नहीं, क्या करते राजेश जी? आप सर अपना छोटा सा दुकान है। अच्छा जी, मोबाइल देखते थे। अच्छा जी, पर आप तो बगल में रहते थे, कभी भी आ सकते थे आप? सर आ सकते हैं, गेट के अंदर नहीं आ सकते हैं। सो स्वीट, गेट के अंदर नहीं आ सकते, आके बाहर घूम लो, लेकिन अंदर गेट के नहीं आ सकते बिना किसी का इजाजत से। इजाजत मिलेगा? सिक्योरिटी रहता है ना बाहर, लोग भी बस में आते ना जब देखने कि अमिताभ बच्चन दिखेंगे या कोई, वो देख के कीकू को और अर्चना जी को चले जाते हैं। दिक्कत वही नहीं है, खाली सर चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, और इस मंच से साईं बाबा की कृपा से बहुत, तो ये मंच इतना आगे बढ़ाओ, इतना अपना कीमती वोट राजेश जी को। और यही सौभाग्य है कि आप लोग का आशीर्वाद मिला, बहुत खुशी की बात है। अब चल चल, माइक माइक छीनना पड़ेगा। बोलो बोलो, अब बोलो। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। कभी सोचा नहीं था कि हम मंच से जाएंगे। गर्मी बार कहाँ जाएंगे बाहर? मैं बस आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, आपकी आपकी सलवार ट्रांसपेरेंट है बस। इनकी स्पीच अभी तक खत्म नहीं हुई, माइक चला गया, लेकिन स्पीच कहाँ बोली? आशीर्वाद बहुत जरूरी है, बड़े लोग का आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा मैं, बहुत बड़ी। अरे मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई यार। आप तो लग रहा है नहीं बड़ी है। अभी धन्यवाद बोलूं क्या बोलूं यार? अपने को समझ में नहीं पड़े, लेकिन बाहर निकलेंगे तो आप नहीं समझ सकते कितने बड़े। धन्यवाद, धन्यवाद शुक्रिया। ओके, और सीरियस नोट मैं कहना चाहूंगा, जयसवाल जी जैसे आप है ना, आज नेटफ्लिक्स के रंगों में ढले हुए हैं और नेटफ्लिक्स ने हमें ये मौका दिया है, ये मंच दिया है, हम सब यहाँ पर आए हैं। और साथ ही साथ सुनील पाजी कपिल पाजी और पूरे परिवार को कहना चाहूंगा कि इनके जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस मंच पर आना चाहते हैं और एक बार आपका दीदार करना चाहते हैं। उसके लिए जोरदार जयसवाल जी के लिए थैंक यू सो मच। अरे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप, क्या हो गया भाई साहब? अभी तो कुछ कहा भी नहीं आपने। वोट मिल गया उन्हें। जब कपिल शर्मा का पूरा परिवार होता है तो ऐसी मजाक मस्ती हमेशा होती है, हमने देखा है कि नहीं? और 30 मार्च से देखने वाले हैं और भी मस्ती ना। ये जो फैंस हैं, ये बात सुनकर दूसरों तक पहुंचाने में बड़े माहिर है। फैंस ही नहीं, हम सभी ऐसे ही है ना, जैसे कुछ बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं, तो बात का बतंगड़ बनाना जो कहते हैं। तो एक क्यों ना, हमने इनके शो में देखा हर बार ये मस्ती बहुत करते हैं, लोगों से गेम्स खिलाते हैं, तो हम बताते हैं आप सबको कि एक छोटा सा गेम खेला जाए यहाँ पर फैंस के साथ। okay. अगर आपकी yes. या, या, बिल्कुल, या, बिल्कुल. आना चाहेंगे yes. या या नमिता या 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 या, या, या. okay, तो हम 6 फैंस को मंच पर बुलाएंगे, हम करेंगे चाइनीज विस्पर्स। ओके, कपिल पाजी आप एक सबको हेडफोन्स दिए जाएंगे, सारे जो फैंस यहाँ पर आएंगे आप उनको एक कोई भी मुहावरा कुछ भी आपको जो मन में आए बोल दो। आई थिंक आप सबने गेम देखा है ना, वो हेडफोन पहनकर एक हम कुछ yeah. जुमला बोलते हैं, फिर आपको गेस करना पड़ता है कि हमने क्या बोला है ना। हाँ फैंस, सो हू इज कमिंग, और मीडिया में से 5-6 लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे। ओके ओके, अरे हो आर यू रेडी? इनके टी शर्ट पे होली की तैयारी है।
गॉर्जियस जी भाई, हाय गुड, कितने लोग हैं? हाय हाय हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाय, लव योर टी-शर्ट, हाय, लव योर आउटफिट, अरे वाह, आप भी हैं, आइए आइए, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाय, हाउ आर यू? We'll all come this side. Yeah. Come. Today I'm meeting. Hi, Lamita. अभी करिश्मा टाउन में नहीं है तो कृष्णा तुम लड़कियों से दूर ही रहो। हेडफोन्स ले लीजिए। कश्मीर नहीं है, कश्मीर है। अच्छा, मैंने करिश्मा। जी बिदा। जी आला पाजी। दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। मैं ले। करिश्मा के बारे में लोग बोल रहे हैं। अरे मत बोलो। ये मैं आपकी मदद कर देता हूँ, योर प्लीज मैं खिलाऊंगा गेम। ओके प्रिपेयर्ड रेडी अब अदरवाइज आई एम सीइंग दैट होली कल हो गई ना तो आफ्टर इफेक्ट्स या एब्सोल्युटली प्लीज कपिल पाजी। हाँ जी इस पे प्लीज मैं आपको गाना कपिल पाजी बोलेंगे मेरी मंच पे आके मुझे ही डायरेक्ट कर रहा है मुझे ही बता रहा है कपिल पाजी। अरे नहीं नहीं ब्रो नहीं तो रूल बता आपको उस तरफ देखना है सबको। ओके सिंपल से चीज है ये एक मुहावरा बताएंगे कुछ एक लाइन कहेंगे उनको लिप रीड करना है और यही बात आपको उनको बतानी है फिर आपने टर्न होना है इनको बतानी है बात का पतंगड़ कैसे बनता है न्यूज कैसे बनती है ये यहाँ पर देखें और आपने मेरी तरफ देखना है। हाँ जी अभी आपको मेरी आवाज आ रही है आइए ऐसे तो आएगी इसको लगाओ पहले अभी आप नीचे नहीं करना है। पर उसने उसने रिएक्ट किया इसका मतलब आ रही है। हाँ हाँ आ रही है है ना वरना उस पर रिएक्ट करेगा। म्यूजिक चलेगा म्यूजिक बजाओ म्यूजिक चलाइए गाना कौन सा चल रहा है पहले मेरे को चेक करो मेरे को विश्वास नहीं रहा आजकल अपने जीवन में से आए को हटा हाँ लगाइए ना शुरू करें आपका हेडफोन ऑन लुक देयर लुक देयर यू लुक देयर इन्होंने पूछा म्यूजिक ऑन है टर्न टर्न ये देखो ऑन तो म्यूजिक शुड बी ऑन यहां भी जजमेंट पे इस तरफ हमारी तरफ इस तरफ देखो मुड़ जाओ सबके हमारी तरफ हमारी हमारी तरफ हाँ हमारी तरफ हमारी तरफ हाँ हेलो एक्शन हाँ यार उधर देखो सारे हाँ और सुनाओ हाँ वही तो नहीं आनी ये तो तुम्हारा माइक भी इधर मुंह किया हुआ उसने आवाज आ रही है आपको इनकी आवाज आ रही बोलो कुछ बोलो कुछ हेलो 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 आ रही है हाँ तो उनका नाचने का मन हो रहा है हाँ। ये देखो आओ मर्दों की मल्लिका शराब इधर आ जाओ नाची जा रहा है मैं गाना शुरू करना है हाँ। मुझे कल परसों ही आई ना अगली कमर नहीं हिलने वाली मेरी अब ये बड़ा यंग लड़का है अभी मुझे कल परसों ही आई पिछले हफ्ते ही ओके रेडी चार दिन की चांदनी पीछे पड़ गई सांडनी वही तो नहीं आनी चलो उनको बताओ बस 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 चार बीस हो गए चार बीस है 40 मिनट पीछे हैं। 40 है। हाँ। छत पे जाना। ओहो। बंदे के अरमान है अरमान। सो जाना। सुझाया नहीं, सो जाना। दूला। सो जाना। दूधा, दुबारा। छत पे जाना, जाके सो जाना। दूध बताना। किसके साथ? ये बताएं। दूध तो साथ। ओके। कुत्ते पे दोबारा उल्टा पैर दोबारा दोबारा की क्या दोबारा पूरा बोलो दोबारा बस एक वर्ड बस एक ही वर्ड बोलो दोबारा 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 उल्टा पैर दोबारा उल्टा 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 बेल दोबारा दोबारा That's what she said. उल्टा बेल दोबारा उल्टा बेल दोबारा एक मिनट आपने जो बोला इनको कैसे सुन गया टेस्टिंग टेस्टिंग आप निकाल दीजिए हाँ जी
हटाइए अभी हेडफोन अभी आप अपने अपने मुख से व्यक्त करें कि आपने क्या सुना, आपने इनको क्या बताया था। मैंने तो छा बे छा से ऐसा कुछ बोला था मुझे याद नहीं क्या। और आपने आगे क्या सुना? 4:20 बजे चार बीस बजे हैं। और फिर इनको क्या बताया आपने? यही लाइन बताई। और आपने क्या सुना? बताया तो यही होगा, सुना मैंने छत पे जाना जाके सो जाना। ये आप क्या अरमान है? और दोबारा सुना खाली, सिर्फ दोबारा, सिर्फ दोबारा। आपने क्या सुना? उल्टा पैर दोबारा, उल्टा पैर दोबारा। एंड आई हर्ड उल्टा बैल दोबारा। आपको बताया, एक शब्द भी सेम नहीं था। लाइन थी कि चार दिन की चांदनी पीछे पड़ गई सांडनी। चार छे बा छे उल्टा बैल, बैल तक पहुंची है, बैल तक सांडनी, बैल पहुंची है, बैल बैल अच्छा था। हां पर ठीक, अब यहां से खेलेंगे। अभी किक्कू भाई सांडनी रिश्तेदार तक पहुंचे, दाद देनी पड़ेगी सबके कॉन्फिडेंस की। जिस तरीके से मैंने सुना है भाई, मैंने सुना है, मुझे पता है, स्पेशली दिस लेडी। या या आई नहीं सुन, नहीं कॉन्फिडेंस इसका था, इसने अपना बना, वो अपने घर से बना के लाया। मैं सुनू कुछ भी बोलूंगा यही। जोरदार तालियां फॉर बीइंग अ स्पोर्ट, थैंक यू सो मच। हाँ, जाते जाते ये हेडफोन्स आप, आपको पता चला ना सोसाइटी में गॉसिप कैसे फैलती है। चाची कुछ बोलती है, दूसरी वाली बिल्डिंग की चाची कुछ और पकड़ लेती है। ओके थैंक यू वॉलंटियर, इफ यू कुड हेल्प। थैंक यू बजाइए लाइए, हमारी ट्रॉली हमारा सामान रखिए, हम बजा देने। थैंक यू, कहानी में, कहानी आई नीड दैट ट्रॉली, आई नीड भाई वो ट्रॉली चाहिए। बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? जो बोनी ट्रॉली दे दो। हेलो, यस सुनील पाजी प्लीज। भाई कहानी में ट्विस्ट जैसी करनी वैसी भरनी, बनता है कि नहीं? अब ये जो है, इन्होंने इनके साथ अभी चाइनीज विस्फोट करा, राइट? तो अब व्हाई डोंट वी टर्न द टेबल्स एंड व्हाई डोंट वी गेट द कास्ट टू डू इट? नहीं, व्हाट्स इट, मजा आएगा नहीं। ये लोग बहुत हंसेंगे हमारे ऊपर, वैसे नहीं किसी का सुनता। तो इतने साल से क्या कर रहे हैं वो लोग हमारे ऊपर हंसी तरह है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब हेडफोन्स पहन ले प्लीज, एंड यू विल बी द ऑफ कोर्स। या या थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा इस मार्क पे आ जाए तो लाइन में। कौन दे रहा लाइन? कहां से? आपसे शुरू करें। इसकी आवाज कम कर भाई, कान फाड़ दे हमारे। सुनील भाजी के साथ शुरू करें या आगे? यस नो, लिखा है। आया गाना आया। मेरे अंदर की मल्लिका शरावत नहीं जागने वाली फिर से, मैं नहीं नाच रहा। नो ग्रेट 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 ओके सुनीपा जी। बोला आपने कुछ नहीं? कुछ नहीं। भैंस, जोर से बोलू ना, भैंस गई ऑफिस, उसने बोला आज से मैं दूध नहीं पनीर दूंगी। भैंस गई ऑफिस, उसने बोला आज से मैं दूध नहीं पनीर दूंगी। आप कुछ बोल रहे हो? एक बार और। भैंस गई ऑफिस, उसने बोला आज से मैं दूध नहीं पनीर दूंगी। भैंस ने बोला मैं तुझे आज के बाद कभी दूध नहीं दूंगी। भैंस ने बोला मैं तुझे आज के बाद कभी दूध नहीं दूंगी। आराम से बोलो। धीरे धीरे है, धीरे धीरे बोलो। भैंस ने बोला मैं तुझे आज के बाद दूध नहीं दूंगी। फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे। शुरू हुई क्या?
फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूं क्या बोला फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूं वाइन की बोतल में फैंस ने बोला मैं तुम पर मरता हूं वाइन की बोतल में रोज भरता हूं ये वाइन की बोतल में रोज भरता हूं वाइन की बोतल में रोज भरता हूं सिंपल जान तेरी वाइन की बोतल में रोज भरता हूं जान तेरी टोटल तेरे तो मर गई मेरे को सुनाई नहीं दे रहा वही होगा हाँ। रुको धीरे रुको जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई वापस जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई छत पे जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई छत पे जितना था सब ले गया गाली नहीं निकालनी ये कुछ हेडसेट निकाल लो उतार दो फिर अब्बा छत पे जितना था सब ले गया फिर भी कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे पता है क्या है वापस छत पे जितना था सब ले गया क्या आप क्या बोले बोला आपसे ये बोला इन्होंने जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई ये बोला था मैंने तूने क्या बोला था मैंने बोला था वाइन की बोतल मैं रोज भरता हूँ ये आपने मुझे बोला था मैंने बोला था फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूँ मैं मैच कर रहा हूँ थोड़ा हाँ मुझे लगा कह फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे फैंस कहीं नहीं भागेंगे सुनील बाजी आपने क्या सुना था मैंने बोला ना कि सब लोग हरकतें ठीक रखना मैं नहीं भागूंगा भैंस गई ऑफिस उसने बोला आज से मैं दूध नहीं पनीर दूंगी भैंस गई ऑफिस उसने बोला आज मैं दूध नहीं पनीर वो ये नेटफ्लिक्स के होता होगा ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है क्या पता पढ़ी लिखी दूध देती हो This Chinese response is really amazing. Yeah. यार हम खुद ही खेल रहे हैं हमने नहीं खेला हाँ हम अभी आर्टिस्ट को नहीं खिलाएंगे आपस में खेलेंगे इतने लोग हैं बाहर से प्लेयर लाते हैं Well, Chinese response में पता चल गया कि बात कहाँ से कहाँ फैल जाती है रायता कैसे फैल जाता है ऐसे कई बार प्रेस में भी जो आता है वो ऐसे ही फैल जाता है मुद्दा कुछ और होता है लेकिन बाय द एंड ऑफ इट इट्स समथिंग एल्स यस बट आपको पता है ना 30 मार्च से हर शनिवार की रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर ये तो सही 100% सही ऐसे ही है एंड 100% एंटरटेनमेंट की गारंटी भी है तो चलिए गारंटी लेने वाली जो हैं उन्हें दोबारा मंच पर बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि 30 मार्च को स्ट्रीम होने वाला फर्स्ट एपिसोड के बारे में तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम बैक तानिया वामे ऑन स्टेज You know, they've been so entertaining के जो हमारे ट्रेलर व्यूज है ना पिछले आधे घंटे में 1 करोड़ से लिटरली 2 करोड़ पहुंच गए I'm not joking. पर ट्रेलर ने ऑलरेडी तहलका मचा दिया है यहाँ पर भी तहलका मच गया है इतने सारे सेलिब्रिटीज के हमने बौछार देखी है ट्रेलर में पर हम ना द नेशन नीड्स टू नो के पहले एपिसोड में कौन सा सेलिब्रिटी होगा हम लोग सेलिब्रिटी नहीं मानते तुम लोग मुझे बोलने तो दो देखो हमारी ये जो है ना ये कॉमेडी की फर्स्ट फैमिली है कि नहीं मानते हैं कि नहीं कि इनसे फनी और कोई नहीं है इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं है तो फॉर दिस अमेजिंग कॉमेडी फैमिली इंडियाज फर्स्ट कॉमेडी फैमिली वी थॉट के टक्कर के फर्स्ट गेस्ट होने चाहिए सो इट इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड द कपूर फैमिली विथ रणबीर रिधिमा एंड नीतू जी एंड
थोड़ा उसका एक हल्का सा फर्स्ट लुक एक ग्लिम्स देखना चाहेंगे फर्स्ट एपिसोड की? यस यस आपने तो पूरा एपिसोड नहीं नहीं देखा मैंने हमने भी नहीं देखा हमने भी नहीं देखा हमने भी नहीं देखा ओके कैन वी प्लीज क्यू द फर्स्ट लुक अच्छा इधर आएगा बड़े पाया हां बात है मजा आया कि नहीं या ये ऊ इतना छोटा क्यों होता है टुडू में इतना बड़ा होता है ऊ इतना छोटा होता है This is 1000 of the fun actually the episodes are. मुझे लगता है कि the trailers do not do justice to what we really have in store for you. Honestly speaking. पूरा शो दिखा दें 30 मार्च से पहले. मैं उनको थोड़ा इंस्पिरेशन दे रही हूँ यार. इसे हमारी कभी फिल्मों का ट्रेलर नहीं कटा हमारे शो का कट रहा है इसमें कुछ नहीं है. कंप्लेंट कंप्लेंट बस कंप्लेंट. अभी भी कह रही थी मैं आई हूँ किसी ने शरबत नहीं पिलाया मेरे को. अर्चना थिंक इतने में ही 2 करोड़ व्यूज आ गए पूरा एपिसोड देख के क्या होगा. हाँ तो 200 करोड़ की हमारी व्यूअरशिप होगी ऑन नेटफ्लिक्स व्हेन द शो कम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. आज का दिन एक स्पेशल दिन है क्योंकि यहाँ पर मीडिया के दोस्त हैं उनके थोड़े बहुत फैमिली वाले हैं और कपिलियंस भी हैं तो उन्होंने हमने शो के पहले हमने कहा था कि अगर कोई सवाल है दिल से कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज लिख दो एक कागज पर एंड उसका एक कैन वी हैव द फिश बोल प्लीज मेरी मछली खा गए राजन आई गया मंच पे है राजन नहीं पकी है अरे अरे मैंने कहा भी था बियर मत पियो शुरू हो जा मीडिया वाले हैं यार तो हाँ तो वो कौन सा नहीं पीते पी के बैठे होली है ना होली होली है पके जी थैंक यू ओके तो शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला 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 किकू अच्छा पहला सवाल टू अर्चना जी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम नवाज कोचा फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस आप जहां कहीं भी हो तो खड़े हो जाएं या वेव आउट सो वी नो कि किसने सवाल या हाय नवाज कैसे हो थैंक यू एंड अर्चना जी सवाल ये है कि योर एसोसिएशन विद कपिल गोज बैक टू ग्रेट इंडियन डेज हाउ मच हैज कपिल चेंज्ड ओवर दीज इयर्स थैंकफुली बिल्कुल नहीं बिकॉज जितने लेवल पर ये कॉमेडी पहले करते थे आई थिंक थोड़ा बड़ी है तो वो ही चेंज आया है एंड यही खासियत है कपिल की कि जिस जिन रूट से कपिल आया है ना वो ही इसने बरकरार अपने मंच पर भी रखा है इसका दिल वैसा ही है मतलब ये छोटे शहर का इसका दिल छोटा नहीं है लेकिन दिल बहुत बड़ा है एंड जितना मैं जानती हूँ कपिल को गिन्नी थोड़ा ज़्यादा ही जानती है ऐसा नहीं बोल रही लेकिन ही हैज़ नॉट चेंज्ड सॉरी व्हाट्स योर नेम यू सेड नवाज So Nawaz, your question is pertaining to just his public persona or to हाँ मुझे नहीं लगता कपिल बिल्कुल भी चेंज हुआ है और डाउन टू अर्थ वाला रह गया अच्छा अच्छा वो डाउन टू अर्थ वाला वो चेक भेज देना मेरे को हाँ थैंक यू बट नहीं बट एक्चुअली फ्रॉम माई हार्ट आई से दिस ये बड़ी मजाक उड़ाता है मेरी लेकिन वहाँ तब भी उड़ाता था जब हम दूसरे शो कर रहे थे एंड हमारे बीच में इतना म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है और वो पूरी टीम को अप्लाई करता है दैट नथिंग एवर जैसे होता है ना कि आप एक साथ बहुत साल तक काम करते हैं और आपको लगता है हल्का सा 19-20 यू नो देयर्स अ राइवलरी देयर्स सम काइंड ऑफ अनबन या हल्का सा यू नो पुश एंड पुल वी हैव नथिंग ऑफ दैट और ये कपिल की खासियत है एक्चुअली कि देर इज़ नो नेगेटिविटी ऑन द सेट्स एंड हमारे जो बीच में जो प्यार है वो पहले भी था और अब भी बरकरार है और जैसा कि मैंने बोला छोटा छोटे शहर का जो ये एक एलिमेंट लेकर आया है विच अपील्स टू द एंटायर कंट्री सो ही हैज़न्ट चेंज्ड एंड आवर लव फॉर हिम हैज़न्ट चेंज्ड एंड हिज ग्राउंडेडनेस हिज ह्यूमिलिटी इज सीन थ्रू एंड थ्रू एवरी टाइम वी सी हिम राइट यस और नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग इन फॉर तानिया यू एंड इट्स फ्रॉम अ फैन एंड इट्स आस्किंग When did this first come to your mind, the idea of bringing the Kapil Sharma show on Netflix? The day I joined, but it took very long. But we started small. Pehle special kiya. The special was also super special because
पैंडेमिक के बीच में कॉमेडी स्पेशल शूट करना, वो भी एम्बी वैली विद अ लाइव ऑडियंस, इट वाज यू नो कमेंडेबल. बट सबको पता था, कपिल एटलीस्ट मुझे लगता है आपको भी पता था कि वी वर बिल्डिंग अप टू समथिंग मोर, यू नो, बट कपिल हैड हिज कमिटमेंट्स एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ विंडो एंड द इंटेंशन वाज ऑलवेज टू डू अ लॉट टुगेदर. कपिल इज सच अ स्पेशल टैलेंट. You know, he's, I will say he's not just a comic, he's a performer all over. And I think that's the joy of Netflix, that we actually are able to take, you know, all of these wonderful talents, all of these wonderful pieces of content that we create from India to the world. And I think nothing makes me, and when I say me, I mean all of us at Netflix, nothing makes us more proud to take this reputed show, this absolutely lovely gang, to the world for them to all experience this absolute madness, which will come week on Netflix on Saturday at 8 o'clock. Thank you, Tanya, and thank you, Netflix, thank for you. This. No, it's wonderful pleasure. Wonderful opportunity for all of us. Thank you. Thank you, Tanya, on behalf of all the fans of Kapil Paji and the entire Parivar, thank you for bringing it on Netflix. The next question is coming in for Kapil, sir, and Vaibhav Thakkar, wherever you are. Vaibhav Thakkar. Vaibhav. Hi, Vaibhav. Vaibhav, your question is. इतना बड़ा सवाल, ईमेल 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 मस्त है सर. आप नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो, सो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, थोड़ी तो टाइम लगेगा मुझे. आप नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो, सो आप 6+ प्लेटफॉर्म और चैनल्स पर काम कर लिए, आपकी टीम भी सुपर 6 की है. आपने ट्वीट किया था आप तक 6 डिजिट्स में भरते हैं और आपकी बर्थडे 2 अप्रैल और 2 + 4 = 6. तो हम 6 पैक एब्स की एक्सपेक्टेशन आपसे कब तक कर सकते हैं? सब्र का फल मीठा होता है. लंबा सवाल था. नो कमेंट्स. मुझे लगता है, देखो पहले आप पिछले सालों में आप अगर आप मुझे देखो तो मैं और थोड़ा हेल्दी हुआ करता था. तो मुझे लग रहा है जब ऐसे काम चल रहा है तो क्या जरूरत है. नहीं पर मैं अगर ऐसे कभी कोई ऐसा काम किया जिसमें मुझे जरूरत होगी 6 पैक निकालने की, तो ब्रो 8 निकाल के दिखाऊंगा. मैं ऐसा भी हूँ. जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं भाई. हाँ बिल्कुल, मैं भी सैलड खाइयो. अगला सवाल है कीकू के लिए. इट्स कमिंग फ्रॉम पिंक विला. एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पिंक विला? हाय देयर. हाय पिंक विला. और उनका सवाल है, व्हाट इज दैट वन thing that keeps you going and still makes you want to be a part of Kapil show even after so many years? Primarily, really good food served when... no, but that's... Not to mention the moola. Yeah. Woh bhi. Woh bhi. But see, I've been around for quite a while and I've thoroughly enjoyed the process, and every time we brainstorm ke kuch naya karte hain, kuch alag karte hain, so... Do you keep exploring new things? And Mr. Sharma is at it all the time. Matlab, when we discuss scripts, mere liye sabse khushi ki cheez ye hoti hai jab hum ye episode banane ki taiyari kar rahe hote hain. Itna maza aata hai. Matlab, mujhe nahi lagta mujhe life mein aur kahin itna maza aaya hai. When you're discussing jokes, you're laughing through the day. Matlab, isse behtar zindagi aur kya ho sakti hai? Absolutely. Pink Villa, thank you for your question. As they say, laughter is the best medicine, isn't it? Thank you. Agla sawal hai, Krishna, aapke liye. Comes from Mayapuri magazine. Shilpa Nalambar. Did I get that right? Yes. Hi, Shilpa. Krishna, sawal ye hai ki is baar show mein aapka kya andaaz hoga? Kaun-kaun se avatar mein aap nazar aaoge? Sabko entertain kaun... क्या हिंदी में लिखा थोड़ा सा. एंड ऑल्सो काफी वक्त से आप कपिल के शो से जुड़े हो. इस बार हम लोगों ने कितना नेटफ्लिक्स पे थे तो हमने सोचा कि कोई नया करेंगे, तो इसलिए मैं फिर से लड़की बनाऊं. नहीं नहीं, जेन्युइनली इस बार हम लोग कैरेक्टर्स पे बहुत बैठे. हम लोगों ने प्लान किया कि वी शुड डू समथिंग डिफरेंट. हर एक एपिसोड में आप हमारी बहुत वैरायटी देखेंगे, खासकर मेरी भी, कीकू भाई की भी. हम लोगों ने ज़्यादातर एपिसोड साथ में किए हैं तो बहुत सारी वैरायटी है. आप इनिशियली आप जब 5-7 एपिसोड देखेंगे तो हम अलग अलग अवतार में आ रहे हैं जो हमने इससे पहले कभी भी टेलीविजन पे नहीं किए हैं.
ये तो जेन्युइन है, तो इट्स गोना बी नाइस, समथिंग न्यू फॉर यू गाइस. बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मैंने मतलब कुर्सी पर बैठकर नहीं देखा इनको करते हुए, इनको परफॉर्म करते हुए कैरेक्टर्स, यू नो. सो आई एम वेरी यूज टू सीइंग देम इन न्यू अवतार्स, बट रियली इन दिस सीजन आई हैव सीन देम परफॉर्म सम अमेजिंग कैरेक्टर्स. जितना कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन टू हमारा हमेशा कॉन्टेंट पर रहा है, अब की बार तो जो वेशभूषा, जो कंप्लीट लुक तुम लोगों ने चेंज करके हमारे सामने पेश किया है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड आप लोग देखेंगे, जब आप एपिसोड देखेंगे, दैट इज एन अमेजिंग अरे ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू गाइस हैव प्रेजेंटेड. थैंक यू सो मच. इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हम जो देखते हैं वो इतना ही होता है, उसके पीछे इट्स अ विलेज दैट पुट्स टुगेदर द एंटायर थिंग. सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग अस दिस शो, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर एवरीबॉडी. एक्चुअली I really want to take a moment to thank, you know, there are how many people have put this show how quickly together. I will confess, we take our time to make our shows at Netflix, but this one has been on like on speed from the second we sort of thought of going for it. So I really want to thank, first of all, Anukalp, our showrunner and chief writer. He's episode after episode, पता नहीं कहाँ से उनको आइडिया आते हैं. और कपिल ने जो कहा, इतना भी गला नहीं मरोड़ते, थोड़ा सा, लेकिन वो सब जेल के सब करते हैं. थैंक यू टू अनुकल्प एंड हिज अमेजिंग अमेजिंग राइटिंग टीम, लाखा, हीरा एंड एवरी वन हुज अ पार्ट ऑफ इट. इट्स अ टीम ऑफ 40 प्लस राइटर्स, अनुकल्प, करेक्ट? वाओ, थोड़ा से उससे कम, ठीक है, 38. 10-12 ही है सही, बाकी अपने रिश्तेदार. पेमेंट तो 40 को देते हैं ना नेटफ्लिक्स. आई वांट टू थैंक द टीम ऑफ बीइंग यू, गुरजोत, अक्षित, आप दोनों के बिना यू नो दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर दिस. सॉल, they've put this whole their expertise and you know they made this show look so good. Thank you for everything that you and Kamna do for Zeela. Thank you to the whole team who's putting this together, and a special shout out for my team, Swati and the nonfiction team, for working tirelessly for the marketing and publicity team. This show has been an exercise and you guys have done your best. Thank you so much. I want to add something to that. कॉमेडी, किसी भी कंटेंट में जो राइटर्स का हाथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ख़ास तौर से कॉमेडी में. मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगले एपिसोड में ऐसा क्या करेंगे, या मैं कब से सोच रही हूँ अगले एपिसोड में क्या करेंगे जो आपको फिर से हंसाएगा, फिर से गुदगुदाएगा. द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है कि आप कॉमेडी के लिए लिखें. दीज ग्रेट दिग्गज, ये लोग तो उस पर इम्प्रोवाइज करके चार चांद लगाते ही हैं, लेकिन जो हमारे बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है हमारे शो की, वो है हमारे राइटर्स. एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर वो. खड़े होके भाई साहब, अनुकार, आप लोग एक मिरेकल करते हो हर हफ्ते जो आप लिखते हो, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और मुझे ये बाकी राइटर्स जो हमारे हमारे टीम में शामिल नहीं है, उन्होंने बोला है कि अर्चना, हाउ डू योर राइटर्स डू इट? सो अनुकल्प, बाकी राइटर्स जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं वो ये कहते हैं कि आपके राइटर्स कैसे करते हैं, एंड लिटरली फॉर सो मेनी इयर्स आई फील कैसे करते हो. बहुत बहुत शुक्रिया हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें सबसे बेहतरीन कंटेंट देने के लिए, लिखने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया टू द एंटायर टीम एंड अनुकम सर, आपको भी थैंक यू. अब तो जब पूरे जर्नी की बात हो रही है, इतना सारा ग्रेट कंटेंट हमने हमेशा देखा है, राजीव जी आपकी और कपिल पाजी की कमराडरी जो है, इतना सारा ट्रैवल करते हैं आप सर, इतने सारे शोज करते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा नहीं पूछूंगा, पर हाउ हैज द जर्नी बिन? दोस्ती. और इस दोस्ती का ये सब लोग इतना नजायज फायदा उठाते हैं कि उसके नीचे मेरा टैलेंट दब गया. हाय हाय. अरे नहीं नहीं नहीं, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है. तो जब तू माना ना टैलेंट दब गया. नहीं, देखो इससे बड़ा आदमी क्या होगा, तुम्हें नेटफ्लिक्स ने संभाला, मैं नेटफ्लिक्स को संभाल के बैठा हुआ हूँ. नहीं नहीं, लेकिन सच्ची बात है कि दोस्ती तो है ही, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर जगह पर कहता हूँ, कि बचपन से हम कॉमेडी के स्पेलिंग सी से सुनते आए हैं, लेकिन ये शख्स है जिसने आके कॉमेडी के स्पेलिंग सी से चेंज करके आज अगर किया जाए तो के से होंगे. हाय हाय. सो ही इज दैट गाय. और कैसी लाइन नाम.
अब आपको पता चले पोस्टर पे क्यों है। अच्छा पोस्टर से याद आया, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सच में नेटफ्लिक्स का कि इतने पोस्टर लगाए इन्होंने मेरे हर जगह पे, मुझे बैंक से लोन मिल गया, थैंक यू। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि पोस्टर उतरने से पहले लोन चुका भी देना। हमारा मामा नहीं है ना उतारने के लिए। ये सबूत है, और मैं बोलना चाहती थी पहले, ये पंचलाइन बोलने से पहले मैं राजीव के बारे में बोलना चाहती थी कि कई बार मुझे मुझ पर यह आरोप लगा कि इसमें सिर्फ 8 नंबर देती थी, लेकिन ये एक शख्स है जिसका ऑन स्टेज प्रेजेंस इतना माइंड ब्लोइंग है कि लाइव स्टेज पर इसका जो इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट होता है वो काबिले तारीफ। थैंक यू। और आखिरी सवाल है सुनील पाजी के लिए। 6 साल बाद ये ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है, इस भरत मिलाप के बारे में द नेशन नीड्स टू नो प्लीज। एक्चुअली तो फिर एक्चुअली हम लोग जब फ्लाइट में बैठे हुए थे 6 साल पहले जब आ रहे थे तो हम लोगों ने, हमको ऐसा था कि अभी नेटफ्लिक्स इंडिया में आ रहा है तो कुछ ऐसा करो कि पब्लिसिटी स्टंट हो इस शो के लॉन्च के लिए, तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो या आप जो आउटडोर में शूट कर रहे थे काफी वेब सीरीज वगैरह, गर्मी वगैरह भी आप तो कह रहे थे। ओ यस, ये भी था बाहर एसी नहीं लगा होता नहीं, और वो सवाल पूछा था ना मेरे दिमाग में कब आया वो ख्याल उस फ्लाइट के पहले। सो तानिया का फोन आया कि क्या कर सकते हैं पब्लिसिटी के लिए। हाँ ओके, ऑल्सो गर्मी भी बहुत है बाहर, यहाँ पे एसी सेट है, वरना दूसरे शोज में फिक्शन में हमको बाहर शूट करना पड़ता है। सुनील भाई आपने घर भी बड़ा ले लिया, वो भी बताओ। उसकी किस्तें भी हैं। ऑलवेज इट हैज बीन अ डिलाइट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। जैसा पीकू भाई कह रहे थे कि दुनिया में एक जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो वो काम लगता नहीं है, वो हम ब्लेस्ड हैं, और मैं अपने आप को फिर से ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। आई एम बैक होम, और हंसते रहते हैं सारा दिन, और वही हंसी हम लोग स्टेज पे जाते हैं, वही लोग हंस रहे होते हैं उन बातों पे जिनको बनाते हुए सारी क्रिएटिव टीम और हम लोग हंस रहे होते हैं। सो आई हैव माई ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच एवरीवन। Let's welcome him back with a bigger round of applause. Come on. And sab puri team ko to humne thank you bol diya ke, you know, they've been a part of this, but there are 7 more people on this stage who've added the madness, who always do that live, is that entire band there. Yay! Let's make some noise. For being aapko pata hai badi sari cheeze, main jaise hamare comedy show mein log kai baar bolte ki yaar music ka kya kaam, आपको पता हमें थोड़ा बहुत शौक है, हम लोग नाचते गाते रहते हैं, लेकिन ये सारे इतने टैलेंटेड लोग हैं, ये इनका बड़प्पन है, हमसे प्यार भी है, ऑब्वियसली पेमेंट भी होता है, पर ये इतने सुरीले कलाकारों के साथ काम करने वाले लोग हैं। जैसे मैं अगर राज जी की बात करूं, राज जी इतने सीनियर म्यूजिशियन है हमारी इंडस्ट्री में कि अभी हम लोग अमेरिका टूर कर रहे थे तो बातें बातें कर रहे थे बैठ के, तो फिर मैंने राज से पूछा, मैंने राज जी आपने आर डी बर्मन साहब के साथ इतना काम किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो उन्होंने मुझे बोला मेरा पहला ही गाना जो था वो था डॉन फिल्म का, बच्चन साहब की अरे दीवानो। राज साहब हो जाए थोड़ा मजेदार, हेलो 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 हेलो, मजा आता है मेरे को, हेलो थोड़ा खोल दो, हेलो हमारे साथियों के लिए। कमाल
के टैलेंटेड लोग हैं। दिनेश को आप सब जानते हैं, मेरा कॉलेज का दोस्त है, हु इज ऑन बेस गिटार, और श्रीकांत जो है लीड गिटार पे। पीछे आंचल है जो पता नहीं घर पे लड़के आता है, सारा गुस्सा ड्रम पे निकालता है, बड़ा कमाल है। गोपाल जो कीबोर्ड पे बैठे हुए हैं, ये जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने ही अच्छे गायक भी हैं। और आकाश पीछे रिदम पे हैं। और भाई साहब से आज मैं पहली बार मिला हूँ, क्योंकि हमारे राज राज तो वेलकम, बहुत कमाल के वॉयलिनिस्ट हैं ये भी, तो जो हमारे पहले वॉयलिनिस्ट आज शायद नहीं आए तो उनकी जगह आए, पर बहुत कमाल बजा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ मौका भी है, दस्तूर भी है, टाइम फॉर दैट फोटो ऑफ मोमेंट, राइट। पूरी की पूरा परिवार यहाँ पर है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा प्लीज यहाँ पर मार्क पे आ जाए, ताकि एक इस लम्हे को कैप्चर किया जाए। प्लीज 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 आइए। Are we good? Sunil bhai, yeah, yeah. Sunil bhai, come. Aaj bhai. Maak kahan hai? Alag alag maak hai kya? Kaun sa maak hai? Second maak hai. Second maak hai. देखो, म्यूजिक की बात हो गई, फोटो भी ले ली, पर हमारे बीच एक अरिजीत सिंह है। हैं? वो भी आए? अच्छा, पर अरिजीत के पहले एक सेल्फी ले लें। सेल्फी तो क्या? सेल्फी मैं वरुण, एक अरिजीत सिंह है वरुण, मैं रिक्वेस्ट प्लीज सर आप भी आ जाइए। सारी बाय वरुण, या प्लीज एक यहां पर है आज। हाँ, या टर्न कर ले ताकि पूरे अपने, ये तो ब्रीफिंग भी हुई थी। दिस पिक्चर इज विद ऑल ऑफ यू, सो गिवन द बेस्ट पोज, लेट्स हैव, या शुड दे स्टैंड और दे सिटिंग ओनली? स्टैंड स्टैंड, सिटिंग 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 इज फाइन, दे टेकन द, साजिद भाई आपको ऊपर जाना चाहिए था एक्चुअली, है ना? हां यार, सोफे पे चढ़ जाओ। वरुण ओके? सज भाई ओके? He said no. Okay. Okay, एक और अर्चना जी का हुकुम सराखों पर रखते हैं, एंड प्लीज एक और फोटो खड़े होके सब। हाँ. या गाइस स्टैंड ना, आई थिंक इट विल बी अ बेटर। प्लीज 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 सारे खड़े हो जाए तो, या कैन यू, अगर थोड़े लंबे हो तो मेहरबानी करके थोड़े नीचे हो जाओ। ये कुर्सियां रख दे क्या? टेबल पे भी खड़े हो सकते हैं वैसे, नहीं टूट जाएगी। गिम्बल से आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर खड़े हो जाए, निकालता हूँ ना कुछ, कहाँ ना बोला मैंने यार, कहाँ ना बोला। थोड़ा सा एक साथ, थोड़ा इधर, ये मार्क पे प्लीज, बस जीन के साथ, ये नहीं। आई थॉट देयर इंडिविजुअल मार्क्स हो ईच ऑफ अस। हां ये एक कर ले, कम कम कम, किसने एक्शन बोला? एक्शन, अरे सेंटर पीछे निकल गया वो, फोटो लेके चला है, रुका भी नहीं एक सेकंड, वो निकल गया, वो मतलबी, इतना मतलबी, मतलब उसका हुआ निकल। थैंक यू, डन, थैंक यू, थैंक यू, डन, यस, अच्छा तो मैं जो क्या बात कर रहा था, हम क्या बात कर रहे थे? अरिजीत सिंह, ये अरिजीत सिंह है, इन्होंने कुछ बेहतरीन एक गाना ऐसे कंपोज किया है हमारे साथ, अरिजीत सिंह है, और ये हैं हमारे
सुनील पाजी आपने आपकी आवाज में ये थोड़े थोड़े लंबे वाले आ रही जी एक एक स्पेशल गाना बनाया इन्होंने बहुत खूब बहुत खूब इनके कैरेक्टर ने जो गाना करा है वो सालों की मेहनत ऐसे नहीं है कि गाना कोई ऐसे ही बन जाता है सिंगिंग हैज ऑलवेज बीन माय पैशन एक वो स्टैंड वाला माइक है क्या प्लीज ओह या Because I need that mic, better mic. छह साल तो यही कर रहे हैं, गाना ही बना रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ, सुनील पाजी मूड बना रहे हैं, तो ये माइक वाइक स्टैंड बेटर माइक, बेटर माइक। पहले इस गाने की जर्नी के बारे में भी बताया जाए, कैसे शुरू हुआ, और फिर कैसे आपने कंपोजिशन किया, और कैसे तीन मिनट में आपने बना भी दिया। But मैं मेरे अंदर से हमेशा ये पैशन रहा है गाने का, and thanks to the great Indian Kapil show and Netflix for giving me this opportunity. आज तक मेरे को किसी ने बिलीव नहीं किया मेरी इस एबिलिटी पे बट यहाँ पे मुझे मौका मिला थैंक यू अनुकल भाई सो ये गाना मैंने शो में एक कैरेक्टर है डफली आप सुनेंगे उनके मुंह से तो भाई मैं कपड़े तो वो नहीं पहने हुए बट मैं गाना गाना चाहूंगा आपके सामने और किस राग में ये कंपोजिशन हम चाहेंगे रता ये राग हाँ एक्चुअली राग नहीं है वो गाना सुन के राग आएगा नहीं राग की बात नहीं है ज्यादा बिल्डअप होगा तो फिर लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत तो इट इज या क्लासिकल म्यूजिक है वो तो है राग पाताल एनीवे बहुत अच्छा मैंने दिल से गाया है और ये लिखने में थोड़ा टाइम लगा इसको बट अब आपके सामने अभी ये पब्लिक प्रॉपर्टी इरशाद इरशाद थैंक यू थैंक यू वी लव यू डफली वेनेसडे को नहीं थर्सडे को नहीं फ्राइडे को नहीं सैटरडे को द ग्रेट इंडियन कपिल शो आएगा एक मिनट दोस्तों दोस्तों अभी नहीं सो अगर आप मेरा साथ देंगे इसके अंदर पांच बजे नहीं पांच बजे नहीं छह बजे नहीं सात बजे नहीं आठ बजे द ग्रेट इंडियन कपिल शो आएगा पांच बजे नहीं एंड गाना आप लोग आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सब लोगों को याद भी हो गया ओके आप मेरे साथ गाओगे गाना पांच बजे नहीं छह बजे नहीं सात बजे नहीं आठ बजे ग्रेट इंडियन कपिल शो आएगा वो जो यहाँ से भागा था ना वो राग वो ये बहुत अच्छा वेरी नाइस नहीं फ्राइडे थर्सडे वाला क्या थर्सडे वाला दूसरा अंतरा ये हो गया वेंसडे अभी डेट पे आते दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ये शो 30 तारीख को आ रहा है तो उसी के बारे में मैंने कल सारी रात सोचा कि क्या लिखूं क्या लिखूं तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है हाँ हाँ पता है 27 मार्च को नहीं 28 मार्च को नहीं 29 मार्च को नहीं 30 मार्च से द ग्रेट इन कपिल शो आएगा थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर द लव ओके आपने ठीक बोला था एक अरिजीत आलू पूरी नहीं छोले भटूरे नहीं गाजर का हलवा नहीं बाहर चाय समोसे पड़े हुए एवरीवन लेट्स हैव समोसे चाय आई लव दैट थैंक यू सो मच एंड ये गाने पे एक और गाना लिखा है आई नो अब मैं नहीं गाऊंगा नहीं नहीं गा दे गा दे थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच बट ये डफली के मुंह से सुनेंगे बहुत जल्दी तानिया इस गाने के बाद यकीनन एक और ऑस्कर आने वाला है हमारी झोली में ग्रैमी है वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट थैंक यू डफली एके अरिजीत आई जस्ट वांट टू टेल दैट आई होस्टेड एपिसोड इन इंग्लिश आल्सो ब्रो या दैट इज ओनली इंग्लिश एंड विद दैट 30 तारीख को है ड्रॉप्स ऑन नेटफ्लिक्स 8 बजे पर 2 तारीख को क्या है 2 अप्रैल को क्या है
You guess that right? Kapil sir. Birthday. आप 2 अप्रैल को स्पेशल डे, आपको तो पता है. पता ही. आप इस धरती पे प्रकट हुए थे, उसके लिए समथिंग स्पेशल वी लाइंड अप. कैन वी हैव दैट प्लीज? सारे फैंस के साथ, हमारे मीडिया के दोस्तों के साथ. लेट्स उधर बर्थडे वीक सेलिब्रेशन. तो हमने सोचा क्यों ना कपिल सर पूरे आपके फैंस के साथ, मीडिया के साथ और परिवार के साथ एक हफ्ते पहले से जश्न मनाया जाए. थैंक यू सर. गाना गाएंगे 30 मार्च को. थैंक यू गाइस. थैंक यू. 30 मार्च को नहीं, 31 मार्च को नहीं, 1 अप्रैल को नहीं, 2 अप्रैल को कपिल का बर्थडे आएगा. अरिजीत की आवाज में बार बार दिन ये आए. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल साल ये आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. हेलो 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 हेलो, ये चल रहा है कि ये चल रहा है? हेलो हेलो, दोनों 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 में गाता हूँ ज़्यादा आएगा बस. ऐसे मजा करने के लिए कौन सा गाना गाए? आपका जो मन ये वाला. हेलो यार, थोड़ा बढ़ा दो मॉनिटर भी दादा, थोड़ा सा मॉनिटर. हेलो हेलो हेलो, थोड़ा रिवर्ब भी दे दो, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है. हेलो हेलो, और थोड़ा थोड़ा और. चल फिर गोपाल, ये वॉल्यूम कम है ना, थोड़ा सा अप करो, वहां पे म्यूजिशियंस को नहीं सुन रहा. आज एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से साउंड ज्यादा बैलेंसिंग हुई नहीं अपनी आज. हेलो, यस, नाउ इज इट गुड? दो फिर स्केल. हम बचपन से दोस्त नहीं ढूंढते रहे ना. यही गुलाबी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. ला 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 ला. दिल में मेरे ख्वाब तेरे,
तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ला 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 शुक्रिया, थैंक यू गाइज, थैंक यू। या मैं कंजूसी नहीं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द बेस्ट मोमेंट्स एज इन मेमोरी। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां फॉर द एंटायर परिवार ऑफ द ग्रेट इंडियन कपल शो। इन्होंने हमें एक प्री बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया है। 30 मार्च को हर शनिवार रात 8 बजे ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। स्प्रेड द वर्ड, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच वन ऑफ यू इज प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग अमेजिंग ऑडियंस, एंड आई डू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस फॉर सम रिफ्रेशमेंट्स। खाओ पियो, कैप्स कैफे, एंजॉय सम बेवरेजेस, फूड आउटसाइड, एंड अ बिग थैंक यू, एंड लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।